जावरा विधानसभा के ग्राम पंचायत आंबा के अंतर्गत प्रस्तावित घनवा डैम को स्थान चयन से आपत्ति को लेकर कांग्रेस पार्टी के बैनर तले 10 गांवों के आदिवासियों ने रतलाम कलेक्ट्रेट पे अपने कपड़े उतारकर अर्धनग्न अवस्था में अपना विरोध दर्ज कराते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। डैम का स्थान बदलने की मांग की गई है और साथ ही में कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों द्वारा भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि शासन में बैठे कुछ जनप्रतिनिधियों द्वारा जानबूझकर डैम की साइट इस तरह से चयन की गई है ताकि सैकड़ों आदिवासी भाइयों की जमीन और मकान डूब में चले जाए और वह विस्थापित होने के मजबूर हो जाए और सैलाना और जावरा विधानसभा में डैम के लिए पर्याप्त कई अनुकूल जगह होने के बावजूद जानबूझकर आदिवासी भाइयों को परेशान करने के लिए डैम को लंबा खोरा गांव में बनाया जा रहा है, जिससे जम्बू डाबरा और भगतपुरा बाम घाटी भूरी घाटी कुंडल गड़ी वाला और साथ ही में माता की धार आदि गांव में सभी मकान और खेती की लगभग 2000 हेक्टेयर जमीन डूब में चली जाएगी। से आज किसानों ने प्रदर्शन किया है, क्या कारण रहा है कि आज प्रदर्शन इतना उग्र रहा है और किस अवस्था में इन्होंने प्रदर्शन किया है? ये आंबा ग्राम पंचायत के घनावा डैम करके सिंचाई विभाग ने एक डैम प्रस्तावित किया है, जिसमें आंबा ग्राम पंचायत के 10 से अधिक आदिवासी बहुली गांवों में 500 घर पूरी तरह से डूब में जा रहे हैं, 2000 हेक्टेयर जमीन डूब में जा रही है, लेकिन सिंचाई विभाग ने सर्वे इस तरह से किया कि किस तरह से उनका जो है शिवराज सरकार कैसे उनकी पीठ थपथपाए और कम से कम मुआवजा उनको देना पड़े। ऐसा डैम प्रस्तावित किया गया है जो पूरी तरह से आदिवासियों को बर्बाद कर देगा, उनकी संस्कृति को बर्बाद कर देगा। आज इसी कारण से हजारों की संख्या में आदिवासी अपने कपड़े उतार कर नग्न अवस्था में यहाँ कलेक्टर कार्यालय में पहुंचे, उन्हें ज्ञापन दिया। हम सब लोग कांग्रेस पार्टी के सारे कार्यकर्ता भी उनके साथ थे, माननीय विधायकों ने उनका समर्थन किया है, कांग्रेस के जिलाध्यक्ष सहित पूरी पार्टी ने भी उनका समर्थन किया है। हम एक जायज मांग पे आदिवासी भाइयों के साथ हैं कि कई सारे ऐसे स्थान हैं जहाँ पर डैम की जरूरत है, ऐसे स्थानों पर ना बना करके आदिवासी भाइयों की संस्कृति को नष्ट करने के लिए, उन्हें उजाड़ने के लिए मात्र शिवराज जी ऐसे लोगों को चिन्हित कर रहे हैं जो लोग सालों से कांग्रेस पार्टी को समर्थन कर रहे हैं, मात्र उनके कुछ दलाल इस तरह से डैम की जगह चिन्हित कर रहे हैं ताकि वो लोग जो है हमारी पार्टी से दूर हो, उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए डैम बनाया जा रहा है। आपकी मुख्य मांग क्या है, चाहते क्या? हम ये चाहते हैं कि ये जो कार्य योजना बनी है ये तत्काल प्रभाव से इसको निरस्त किया जाए। अगर इस कार्य योजना को निरस्त नहीं किया गया तो आदिवासी भाइयों के साथ कांग्रेस पार्टी भी सड़क पर आएगी, हर स्तर का आंदोलन कांग्रेस पार्टी करेगी, अभी हम पूरी पार्टी उनके साथ। क्या क्या आश्वासन? आज जो ग्रामीण लोग हैं, आज इन्होंने नग्न अवस्था में होकर रैली निकाली, क्या मांग थी उनकी और कांग्रेस किस प्रकार से इनके आंदोलन में सहयोग करेगी? आज आंबा क्षेत्र से हजारों किसान भाई हमारे आदिवासी साथी, जो उनकी छोटी छोटी जमीन है और कम से कम 12 से 15 गांव उस डैम बनाने से प्रभावित हो रहे हैं। जब उस क्षेत्र के किसानों को उस डैम की आवश्यकता नहीं है, जल देने से क्या मतलब है, अगर अन्न पकाने की जमीन नहीं बचेगी, वो उस बात को लेकर आज आए हैं। उन्होंने वहाँ की जो क्षेत्र की जो ग्राम पंचायत लगती है, ग्राम पंचायत ने भी प्रस्ताव पास करके उसको निरस्त करने का कहा है। इसके बाद भी बिना ग्राम पंचायत से, बिना उस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि भाई हमारे विधायक हर्ष विजय गहलोत जी और मनोज जी चावला और उस क्षेत्र के जितने भी जनप्रतिनिधि सभी ने मिलकर इस चीज़ से मांग करी कि भैया अगर वहाँ के किसान भाई नहीं चाहते, वहाँ के आदिवासी लोग नहीं चाहते, तो तालाब बनाया जाए। कहीं ना कहीं वॉइस ऑफ राइट्स के लिए पिपलोदा से JP मालानी की रिपोर्ट।